टूनी चिड़िया का अपना गाजर का खेत था। वो दिन भर मेहनत करती और गाजरें इकट्ठी करती थी और फिर शाम को उनको बेचकर अपना खर्चा चलाती थी। टूनी चिड़िया अंडा देती है और वो बहुत खुश होती है। उसी वक्त टूनी के घर लाडो चिड़िया आती है। टूनी, तुम्हें अंडे की बहुत मुबारक हो, मुझे तुम्हारा अंडा देखकर बहुत खुशी हुई है। लाडो चिड़िया, खैर मुबारक, तुम्हें भी मुबारक हो। मैं इस खुशी में चाहती हूँ कि मैं सब गांव वालों को गाजर का हलवा बनाकर खिलाऊं। मुझे बहुत अरसे बाद ये खुशी मिली है और अब मैं चाहती हूँ मैं इस खुशी को सब जंगल वालों के साथ बांटूं। ठीक है टूनी चिड़िया, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे लायक कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं? हाँ लाडो चिड़िया, तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो। मैं खेत में जाती हूँ और गाजर इकट्ठी करके लाती हूँ। गाजर का हलवा बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। तुम ऐसा करो, तुम सब बक्शियों को जाकर मेरे तरफ से दावत दो। लाडो चिड़िया चली जाती है, टूनी चिड़िया भी अपने खेत में जाती है। टूनी चिड़िया अपने खेत में आकर वहाँ से गाजरें इकट्ठी करती है। गाजरें इकट्ठी करके वो घर आती है। घर आकर टूनी चिड़िया हलवा बनाने की तैयारी शुरू करती है। दूसरी तरफ लाडो चिड़िया मिट्ठू तोते और सबज तोती के पास आती है। मैं आप दोनों को टूनी चिड़िया की तरफ से दावत देने आई हूँ। टूनी चिड़िया ने अंडा दिया है और वो बहुत खुश है और इसी खुशी में वो चाहती है कि आप सब लोग रात को उसकी तरफ आएं। वो गाजर का हलवा बना रही है। लाडो चिड़िया, ये तो बहुत खुशी की बात है, हम दोनों ज़रूर आएंगे गाजर का हलवा खाने और टूनी को मुबारकबाद देने। उसके बाद लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यहीं मिल गए। मैं तुम लोगों को टूनी चिड़िया की तरफ से दावत देने आई हूँ। टूनी चिड़िया ने अंडा दिया है और उसने कहा है कि शाम को तुम लोग उसकी तरफ आओ, वो गाजर का हलवा बना रही है, तुम दोनों ज़रूर आना। टूनी चिड़िया को बहुत खुशी होगी। उनको दावत का पैगाम देकर लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब वो चंदा कवि और कालू कवे के घर जाती है। अरे चंदा, मुझे मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा है, तुम ऐसा करो आज मेरे लिए मज़ेदार सा गाजर का हलवा बना दो। अरे न खट्टू कव्वे, तुम्हारा तो मैं ये तंदूर भर भर के थक गई हूँ और ये है कि भरने का नाम ही नहीं लेता। मैं कोई गाजर का हलवा नहीं बना रही, मैं बहुत थक गई हूँ, खबरदार तो मुझसे कोई फरमाइश की तुमने। वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि लाडो चिड़िया वहाँ आ जाती है। लाडो चिड़िया उन दोनों को भी टूनी चिड़िया का पैगाम देती है। तो चंदा कवि कहती है, हाँ हाँ लाडो चिड़िया, ये तो बहुत खुशी की बात है, हम दोनों ज़रूर आएंगे। लाडो चिड़िया चली जाती है तो चंदा कवि कालू कवे से कहती है, समझती क्या है ये अपने आप को, अंडा देकर वो हम सबको नीचा दिखाना चाहती है क्या? उसने जान के ये दावत रखी है ताकि वो मुझे शर्मिंदा कर सके। उसने तो अंडा दे दिया और मेरे हाँ तो अभी कोई अंडा ही नहीं हुआ। नहीं चंदा कवि, तुम ऐसा मत सोचो, टूनी चिड़िया ऐसी नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी है, हमें उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए और जाकर हलवा जरूर खाना चाहिए। नदीदे कवे, तुम्हें तो हर वक्त खाने की ही पड़ी रहती है। मैं कह रही हूँ कि नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, मैं उस छोटी चिड़िया को अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझे सिर्फ नीचा दिखाना चाहती है। छोटी चिड़िया, तो समझती क्या है अपने आप को, तू देख ली, मैं वो करूँगी कि तू आइंदा किसी को दावत पे बुलाने के काबिल नहीं रहेगी। हाँ ये चंदा कवि तो हर वक्त टूनी चिड़िया के पीछे ही पड़ी रहती है, ये जरा आगे पीछे हो तो मैं जरा जाकर टूनी चिड़िया से हलवा तो थोड़ा सा चखाऊं, देखो तो सही जरा कैसा बनाया है टूनी चिड़िया ने हलवा। उधर टूनी चिड़िया हलवा बना रही होती है तो चंदा कवि उसके पास आती है। अरे चिड़िया, तुम्हें अंडे की बहुत मुबारक हो। अरे टूनी चिड़िया, हलवा तो लगता है बन गया है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, ये क्या सादा हलवा ही बनाया है, कोई बादाम काजू बीज में नहीं डाले हैं। चंदा कवि, आप क्यों परेशान हो रही हैं, हलवा तो बन गया है, मैं बादाम काजू भी डालूंगी, आप जरा हलवे का ध्यान रखना, मैं बादाम काजू लेकर आती हूँ। जैसे ही टूनी चिड़िया वहाँ से जाती है, चंदा कवि उसके जाने का फ़ायदा उठाती है और हलवे में कंकर डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। जब टूनी चिड़िया आती है, अरे ये क्या, चंदा कवि चली गई, कोई काम होगा तभी जल्दी चली गई। तभी वहाँ पर कालू कव्वा आता है। कालू भैया, आप आ गए हैं, आप यहाँ बैठिए, मैं प्लेटें लेकर आती हूँ। जब टूनी चिड़िया जाती है तो कालू कव्वे से रहा नहीं जाता और वो हलवा खाने लगता है। देखते ही देखते वो सारा हलवा खा जाता है और घर जाकर मज़े से सो जाता है। जब टूनी चिड़िया आती है तो वो देखती है कि देचकी तो खाली है, वो रोने लगती, कालू भैया ये आपने क्या किया, मेरा सारा हलवा खा गया।
तभी वहाँ पर लाडो चिड़िया और मिट्टू तोता आते हैं। लाडो चिड़िया टूनी चिड़िया को परेशान देखती है तो पूछती है, क्या बात है टूनी चिड़िया, तुम परेशान लग रही हो? तो टूनी चिड़िया बताती है, लाडो चिड़िया मेरा सारा हलवा कालू भैया खा गए हैं, अब मैं सबको क्या खिलाऊंगी, मैंने कितनी खुशी से सबको दावत दी थी और अब क्या होगा। टूनी चिड़िया तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, हम सब तो तुम्हारी खुशी में ही खुश हैं और हम तुम्हें मुबारक देने आए हैं। गाजर के हलवा की क्या बात है, वो तो हम फिर भी किसी दिन खा लेंगे। अरे चंदा कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, चंदा जल्दी आओ, मैं मर रहा हूँ। क्या बात है, क्यों शोर मचाया हुआ है, लगता है मरने लगे हो, आखिरी वक्त है तुम्हारा, इतना शोर मचा रखा है। हाँ हाँ मैं मरने वाला हूँ, देखो तो सही मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है चंदा कवि, मैंने तुमसे छुपके टूनी चिड़िया का जाकर सारा हलवा खा लिया और अब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या कहा, तुमने उसका सारा हलवा खा लिया? मैंने तो उसके हलवे में कंकर डाल दिए थे ताकि कोई भी आए और वो हलवा खाए तो उसको खूब बेइज्जत करे, मुझे क्या पता था कि सारा हलवा तुम ही खा जाओगे। चलो चलो अब चल के बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं और तुम्हें चेक करवाते हैं, कहीं मर ही ना जाओ तुम, चलो जल्दी।